गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर साथ साथ करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से हाथ जोड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम लोग 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, इसका इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं। हरिकेश, अतुल, अजय, ज्योति, इंकलाब, खुबीराम, अमरजीत चौहान, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई खूब कर रहे होंगे और अपना ख्याल कर रहे होंगे। अजय कुमार गुड इवनिंग बेटा। सुमित पांडे गुड इवनिंग। और कार्तिक, ज्योति, शेजल, हरिकेश, एनन, रवि, किरण दुबे, फतेह चंद, अतुलकर, रमेश, कल्याण, गजराव, कल्याण, संजना, भावना, सुमित, सभी को गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो सभी लोग? मजे से जी रहे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे? तो सबसे जरूरी बात यह है कि मन लगा के पढ़ाई करो। ग्रेशी, अजय, दिलीप, आकाश, सुमित, स्मृति, मुस्कान, रिया, रजनी, जोगेंद्र, आंचल, कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से आ जाओ सभी लोग और आज के क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से सभी लोग, जल्दी से बाकी लोग आओ और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। राज, शोनी, तो क्लासेस स्टार्ट की जाए। मुझे लगता है अब सभी लोग लगभग आ चुके और आ रहे बाकी लोग। कार्तिके, अंजलि, अमित, विवेक, नमन, शलोनी, तरुण, अमित, दिव्या, सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर हो गया सर, अब तो शुरू किया जाए। बिना समय को बर्बाद किए ये क्लास का सेशन अब स्टार्ट किया जाता है। तो क्लास के सेशन का आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लाइट चली गई किसी के यहाँ? इतनी बुरी खबर। चलो सर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाए और जल्दी से बाकी जितने लोग अभी नहीं आए उनसे कह दो कि जल्दी से आ जाओ। क्लासेस शुरू हो गई, 10 बज गए हैं और तुम्हारी नींद अब नहीं आनी चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर पहला क्या रहा है? जिनको आता है वो रिवाइज करें मेरे साथ और जिनको नहीं आता मेरे साथ सीखें। और अभी मौका मिलेगा सभी को कंपटीशन करने का सर के साथ। तो सर पहला सवाल है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। सर हलवा है ये तो आपसे पहले से हमको पता है। और सर इसका जो परिवर्त निकाल रहे ना, अगर ये कोई एक अवयव होती a इज इक्वल टू 5 1/2 और -1। सर अगर इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो क्या होगा? इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ ऐसा होगा। इतनी सी बात समझ में आई? अनुराग कह रहे सर वे सभी संख्याएं जिनको p by q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या ये परिभाषा सही है? परिभाषाएं कभी गलत नहीं होती। हाँ एक बात है, इधर आओ, अधूरी होती हैं। और ये जो परिभाषा तुमने परिमेय संख्या की, एक सेकेंड थोड़ा सा ज्ञान की बातें हो जाए, अभी 2 सेकेंड रुकना है और थोड़ी सी ज्ञान की बातें होंगी। बच्चे का सवाल है कि सर परिमेय संख्या की परिभाषा जिनको p by q के रूप में लिख दें और कहते q 0 के बराबर नहीं होगा, क्या ये परिभाषा सही है? और फिर सर ने कहा कि परिभाषाएं गलत नहीं होती। फिर सर गलत क्या होता है? गलत हमारी सोच होती है। और समस्या ये है, ये परिभाषा अधूरी है। ये परिभाषा क्या है? अधूरी है। अक्सर बच्चा इस परिभाषा की वजह से कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज इस कदर हो जाता है, इधर आओ, पूरी जिंदगी रहता है। अगर पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहता है सर पूरी परिभाषा क्या होगी, तो पूरी परिभाषा सुनो परिमेय संख्या की अर्थात रेशनल नंबर की कंप्लीट परिभाषा। रेशनल नंबर जिसको आप लोग क्या कहते हो? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की अगर संपूर्ण परिभाषा सुनाऊं तो जरा ध्यान से सुनो। सर ने कहा वो सभी संख्याएं
दुनिया में जितनी संख्याएं हैं और उनका दशमलव प्रसार या तो पदात्मक हो या तो पुनरावृत्ति वाला हो। All those numbers whose decimal expression either terminating or repeating, अगर ऐसा है तब वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, अदरवाइज अपरिमेय। तो अब मुझे लगता है ये परिभाषा पूरी हो गई होगी, मतलब कि ये है कि दशमलव प्रसार जो हो वो पदात्मक हो और या तो पुनरावृत्ति का हो। अगर ऐसी बात है तो बहुत सत्य बात है, बहुत ध्यान से देखते हैं। अब एक बात और, सर ये तो सर आसान सी बात हो गई, आ जाओ क्लास ट्वेल्थ में, कहां चले गए आप? और अगर ऐसा हो सकता है तो सवाल नंबर दूसरा, इसका परिवर्त क्या होगा? सर दो सेकेंड रुको, अभी हम बताते हैं। अगर परिवर्त निकालना हो तो आपने बताया था, कल की क्लासेस याद करो, पंक्ति को स्तंभ बना दो। सर जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलेंगे, पंक्ति 1-1 है तो 1-1, और दूसरी पंक्ति 2-3 है तो 2-3। हाँ सर ये बात बहुत आसान है और सर ये बात अच्छी भी बहुत है, ठीक है। इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसका स्क्रीनशॉट क्यों ले ले? बहुत आसान सवाल है, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? वैसे ही साथ में रिवीजन करते रहो, साथ में मेरे रिवीजन करते रहो। आज इस एक्सरसाइज को साथ में बैठ के कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर ये पंक्ति है तो इसको क्या करना है? स्तंभ में बदलना है, -1, 5, 6। दूसरी पंक्ति ये है तो स्तंभ में बदलो, √3, 5, 6। और तीसरी ये है तो -2, 3, -1। और इसी के साथ ये बात पूर्ण होती है। अगर ये बात कंप्लीट हो गई, हाँ अगर ये बात कंप्लीट हो गई तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट और इसके साथ आगे चलते। सर सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कुछ सिद्ध करने की बात कर रहा है। बैठ के कॉपी पेन लेकर बैठो, फोन को अपने सामने रखो, नजरें स्क्रीन पर रखो और दोनों लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। अगर दोनों लोग मिलकर सॉल्व करेंगे तो ए बराबर बी बराबर है, ए बराबर और बी बराबर, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। कल इंट्रोडक्शन देते वक्त सर ने आपको बताया था, अगर मैंने कल ये बात आपको बताई थी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करो। पहले ए प्लस बी को जोड़ते हैं और इधर ए डैश बी डैश को। अगर मैं इधर ए प्लस बी को जोड़ू तो ए क्या है मेरा, एक बार में मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहो तो दोनों निकाल दूं या तो अलग अलग ये पहला वाला कर दूं कि दूसरा वाला, दो में से एक करूंगा, कमेंट करके बता दो दूसरा कर दूं कि पहला, कोई कीमत नहीं इस सवाल की। वंस राजा, सभी लोग बताओ पहला बता दूं कि दूसरा, बहुत इजी है, कोई बात नहीं। शेजल हो गया बच्चों का, एडजॉइंट बेटा पढ़ाऊंगा, डिटरमिनेंट जब पढ़ाऊंगा तब, चलो हो जाएगा तो मैं बी वाला कर दे रहा हूं क्योंकि उसमें माइनस माइनस है। चलो बच्चे कह रहे सर हो जाएगा दूसरा ना, पहला आकाश कह रहे पहला, चलो पहला ही कर दे रहा हूं मैं पहला कर दे रहा हूं भाई। ए प्लस बी का डैश मतलब इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर हो। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो कितना आएगा? बहुत ध्यान से देखो, जिनका हो गया वो भी देखें, अभी कोई शायद ज्ञान की बात आ जाए। तो ए क्या है यहां पर? ए है -1, 2 और 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और प्लस करो, प्लस करने के बाद बी क्या है? 1, 2, 0 और फिर 1, 3, 1 है। और अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
इनको जोड़ने पर आएगा माइनस वन, माइनस फोर जुड़ेगा तो माइनस फाइव, टू और वन जुड़ेगा तो थ्री, थ्री और माइनस फाइव जुड़ेगा तो माइनस टू, फाइव और वन जुड़ेगा तो सिक्स, सेवन टू जुड़ेगा तो नाइन, नाइन और जीरो जुड़ेगा तो नाइन। इतनी बात समझ में आ रही? वेरी गुड। और इसके साथ सर माइनस टू माइनस वन माइनस वन, वन थ्री फोर, वन टू का फोर और वन वन टू, और इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? यही तो बोला है कि ए प्लस बी डैश का ट्रांसपोज। और इसका अगर परिवर्त निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका परिवर्त आएगा बेटा, इसकी पंक्ति को स्तंभ बनाओ, माइनस फाइव थ्री माइनस टू और सिक्स नाइन नाइन और माइनस वन फोर टू। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। हो गया बच्चों का? सर हम आपसे जीत गए, आप तो हार गए सर। अरे बच्चों क्या करें, तुम हमसे तेज हो गए। अब देखो सर, ये ए प्लस बी डैश आया है, ए डैश बी डैश क्या होगा? तो एक बात तुम मुझे जरा बताओ, इसको मैं मिटा देता हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो राइट हैंड साइड इसके बराबर दिखा रहा हूं तुम्हें, राइट हैंड साइड मैं इसके बराबर दिखा रहा हूं तुम्हें, और ये लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, ये जो आया इसको लिखा रहने देते हैं, और राइट हैंड साइड निकाल के मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। जगह की थोड़ी सी कमी है, उस कमी को देखते हुए इसका क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा? ये राइट हैंड साइड है, ए का परिवर्त क्या होगा जल्दी से बताओ सर, ए का परिवर्त जरा देखें, माइनस वन टू और थ्री सर, फाइव सेवन नाइन, फाइव सेवन नाइन और माइनस टू वन वन, अगर जोड़ देंगे सर तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर वन माइनस फाइव, वन टू जीरो और अगला वन थ्री वन। इसी को अगर इसको हम जोड़ के आगे बढ़े तो आप ऐड करके देखना बेटा, माइनस वन माइनस फाइव कितना आ जाएगा, माइनस वन और माइनस फोर सर माइनस फाइव आ जाएगा, और फाइव और वन मिलके क्या आ जाएगा, सिक्स, माइनस टू और वन मिलके आ जाएगा माइनस वन, टू और वन मिलकर आएगा थ्री, सेवन और टू मिलकर आएगा नाइन, वन और थ्री मिलकर हो जाएगा फोर, थ्री और माइनस फाइव मिलकर माइनस टू, नाइन और जीरो नाइन, वन और वन मिलकर टू। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो सकल देखो, दोनों की बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड सर दोनों बराबर है। सर आप हार गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस बार कंपटीशन करके देख लो, इधर आओ, सर ही जीतेंगे। अगर सर जीतेंगे तो एक बात बताओ सर, इस बार सेकेंड वाला करिएगा, अगर सेकेंड वाला करना है, और अगर सर हार भी जाएं तो देखना मत, देख भी लेना तो बताना मत, वरना कूट देंगे। दूसरा वाला करते हैं, पहला वाला आप करोगे अपने से, ये होमवर्क है, और जो दूसरा है इसका वो सर कर रहे, और सर करेंगे तो इसमें क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सर यहां पर ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो यहां एक बात बताओ, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, सबसे पहले ए माइनस बी क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पे ध्यान से देखो, ये ए ट्रांसपोज है, मतलब ए का परिवर्त दिया है, तो अगर ए का परिवर्त दिया है तो ए क्या होगा, पदात्मक। कोई बच्चा पूछ रहा है, पदात्मक का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे तीन बटे दो काट दोगे, डेसिमल के बाद की वैल्यू पांच के बाद रुक गई, ये पदात्मक है। चलो एक बात बताओ, अगर ए की वैल्यू, ये ए का ट्रांसपोज है तो हमें पंक्ति को क्या करना है, स्तंभ बनाना है, तो तीन चार माइनस एक दो और जीरो एक। सर हाँ, ये किसकी वैल्यू हो गई, सर ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू क्या होगी, सर जो बी की वैल्यू है वो है माइनस वन टू वन, वन टू थ्री, और सर अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, अगर इसमें से इसको घटा देंगे, तीन में से माइनस एक को घटाएंगे तो चार आएगा,
माइनस एक से माइनस दो को घटाएंगे तो माइनस तीन आएगा और जीरो में से माइनस वन आएगा, चार में से एक गया तीन, दो में से दो गया जीरो और एक में से तीन गया माइनस दो, और इसका ट्रांसपोज, क्योंकि बेटा इन सब काम को क्या करना है, परिवर्त निकालना है, और अगर इसका परिवर्त निकालोगे तो अरे सर रुको तो हम जीत जाएंगे इस बार, ऐसा नहीं होने देंगे ना बेटा ना, इस बार तो सर ही जीतेंगे, तुम नहीं जीत रहे। सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकाल के दिखाओ सर, तो मान लें आपकी बात। तो राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड था बेटा ए डैश माइनस बी डैश, और सर ए का ट्रांसपोज पहले से है मतलब उसका परिवर्त पहले से लिखा है, और वो है थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन, और अगर ऐसी बात है तो बी, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी डैश लिखना है, ये बी है, इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर दो, स्तंभ करोगे तो माइनस वन टू वन, चेक करना, और क्या आएगा वन टू का थ्री, वन टू का क्या हो गया थ्री, कोई देखेगा नहीं सर जीत रहे, सिर्फ यही देखना है, सर को हारते हुए कोई नहीं देखेगा, देखो तो कूटे जाबो। थ्री में से माइनस फोर, माइनस वन जाएगा तो फोर आएगा, फोर में से वन थ्री, अरे सर मजा आ गई, अब मजा आ गई सर, टू में से टू गया जीरो, सर इस बार आप जीत गए, ये लो सर जीत गए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, वेरी इजी, और सर ये बहुत इजी है, वंस फैंस क्लब अंजलि, सर से पहले नहीं हुआ है, देर से हुआ है, हाँ वेरी गुड अंजलि केरी सर, हो गया। अमन एनन और राम रुद्र अलोक अनुराग, आगे चले, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट राजा बाबू, आज ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है मतलब रिवाइज करनी है। सर चौथा सवाल देखिए, सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल है सर, ये तो सर हमारे स्टैंडर्ड की इज्जत नहीं कर रहा, भूल गया कि हम 12 में आ गए। और सर एक बात और बताएं, राज की बात, कोरोना चल रहा है तो इसमें क्या राज की बात है, इधर आइए सर, हमारे बड़े भैया लोग बिना पेपर दिए पास हो गए, और सर ये इतने आसान आसान सवाल करा रहे, मजे की बात है सर। चलो ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज करना है, सर तो जीत गए पिछले सवाल में, इस वाली सवाल में देखते हैं कौन कितने टाइम में करता है, और ईमानदारी के साथ टाइम मेंशन करना, नाम ले चाहे ना ले लेकिन कमेंट जरूर देखेंगे, तो जल्दी से ये सवाल जितने सेकंड में हो जाए मेंशन करना। हरिकेश जीत गए ना, देखा सर हमेशा जीतते हैं ना, सेकंड जरूर मेंशन करना। सेजल हाँ बेटा सर जीत गए, सर हमेशा जीतते हैं, और इसके साथ मैं टाइम मेंशन कर रहा हूं सभी लोग, मैं तो खैर इधर देखूंगा लेकिन जैसे ही हो जाए ईमानदारी के साथ, और किसी ने झूठ बोला तो कूट देंगे, ठीक है सर नहीं बोलेंगे झूठ, हम हमेशा ईमानदारी का साथ देते सर। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ, जिसको आता है वो करे और जिसको नहीं आता तो मेरे साथ देखे, टाइम स्टार्ट होता है स्टार्ट कर दो करना, मैं भी शुरू करता हूं। ए प्लस टू बी का डैश पूछ रहा है, ए प्लस टू बी का क्या बेटा ट्रांसपोज, सबसे पहले ए प्लस टू बी, ए क्या है यहां पर भावनाओं में ना बहना, यहां पे ट्रांसपोज लगा हुआ है तो ए क्या होगा, ए होगा ए बराबर, सबसे पहले ए बराबर देख लेना, यहां पर ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो, माइनस टू और थ्री, ये जो पंक्ति है ये वन टू, बात समझ में आ रही, अब ये ए हो गया, अगर सीधा सीधा इसको लिख देते तो वो क्या हो जाता, पंक्ति हो जाता, वो क्या बोलते ए डैश आ जाता, गलत हो जाता, और प्लस टू बी, ये बी है, बी में टू का मल्टीप्लाई करा दो, अगर बी में टू का मल्टीप्लाई कराना है तो ऐसे करा दो, और ये लिखा है माइनस वन जीरो वन टू, और इसका ट्रांसपोज, इसी के साथ अगर अपने कारवा को आगे बढ़ाए तो यहां पर देखो माइनस टू वन थ्री टू, और सर ने बताया है कि टू का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट पे, अगर हर एक एलिमेंट पे तो माइनस टू जीरो, टू वन जा टू और टू टू जे फोर,
इसी के साथ इसको जोड़ दो, और अगर इसको जोड़ोगे तो माइनस टू मिलकर माइनस फोर, वन जीरो मिलकर वन, थ्री टू मिलकर फाइव और टू फोर मिलकर सिक्स। दिस वन इज योर आंसर नहीं, अभी इसका अभी हमें परिवर्त करना है। इसका परिवर्त करोगे तो, इसका परिवर्त करोगे तो क्या आएगा, माइनस फोर और वन, फाइव और सिक्स, चेक करो यही आ रहा है। और कुछ बच्चे कह रहे, एक ने कहा सर 13 सेकेंड, नमस्ते बेटा, सर फिर जीत गए, समय 15 सेकेंड में, विनय कह रहे 15 सेकेंड में, मुस्कान द्विवेदी, नमन हो गया 34 सेकेंड में हुआ है सत्यम का। चलो और किसका हुआ, ज्योति, जितेंद्र, कूट दूंगा तुमको सर जीत गए यही बोला करो, वेरी गुड। चलो हरिकेश, देखा सर फिर जीत गए, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, आ गया, वेरी गुड दिव्यांश, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। नमस्ते बेटा प्रियंका, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सार्थक, सभी लोग सर सवाल नंबर 5 के बारे में चर्चा करिए सर, खूबी राम इधर देखो, सवाल नंबर 5 सर ये कह रहा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इधर आओ, कल वाली वीडियो याद हो तो सर ने इसको प्रूव किया था, आज फिर मौका है, दस्तूर है इस बात को प्रूव करने का, ये एक फार्मूला है और आज इसको फिर प्रूव करने का मौका भी है, दस्तूर भी है। अगर दोनों चीजें एक साथ हैं तो फिर अब विलंब के ही कारण, स्वामी अब विलंब मत करिए, ए से बी का मल्टीप्लाई कराइए। ए बी क्या होगा, सबसे पहले ए बी निकालो, ए क्या है तुम्हारा, ये वन माइनस फोर और थ्री, मेरे साथ करो, टाइम यहां पे लगा दे रहा हूं, बिना समय को बर्बाद किए, समय को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि पृथ्वी लोक में एक समय ही सारस्वत तो है, बाकी सब बेकार है। समय स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया, चलो। अब ये ए बी का मल्टीप्लाई, ए हमारा ये है और बी हमारा जो दिया हुआ है माइनस वन और इसके बाद टू, माइनस वन टू वन, मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराने में सफल हुए तो हमें एक सफलता का अंदाजा ऐसे लगाना है कि वन का मल्टीप्लाई माइनस वन, ये माइनस वन, इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट है ये नहीं है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वन टू जा टू, मल्टीप्लाई सबको आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जिसको नहीं आता बता देना। माधव चतुर्वेदी, किसी को नहीं भूला। अब देखो माइनस फोर वन जा फोर, माइनस टू जा एट और माइनस फोर वन जा माइनस फोर, चेक कर लेना कैलकुलेशन सर की, थ्री वन जा माइनस थ्री और थ्री टू जा सिक्स और थ्री वन जा थ्री। और इन्होंने एक बात कही है सर, इसका ट्रांसपोज कर दो, और अगर इसका ट्रांसपोज कर दें तो सर एक बात निकल के सामने आई, ये जो बात है वो बहुत गहरी है, ये है माइनस वन टू वन, ये है फोर माइनस एट और सिक्स, और तीसरी बात है माइनस थ्री सिक्स और थ्री। अब सर ए बी डैश ए डैश को सॉल्व करके दिखाइए, से दूसरी बात ठीक है, अगर इसको करके दिखाए, बी डैश क्या होगा बेटा, ये बी है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा माइनस वन टू वन, और ए डैश का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा बेटा वन माइनस फोर और थ्री। अब इसका मल्टीप्लाई करा के चेक करो, अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, माइनस वन वन जा माइनस वन, माइनस वन फोर जा प्लस वाला फोर और माइनस वन थ्री जा माइनस वाला थ्री, टू वन जा टू और माइनस एट, टू थ्री जा सिक्स। इसी के साथ एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखना, अगर ये हुआ है तो वन वन जा वन माइनस फोर और थ्री, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, क्या हुआ, कुछ इधर उधर हो गया क्या, बी का ट्रांसपोज माइनस वन टू वन,
हाँ सही है, इसका आप ट्रांसपोज ही नहीं कराना। देखो ये बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। क्षमा कुणाल, माधव चतुर्वेदी का आज जन्मदिन है, इधर आओ बेटा, जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़ाई करो मन लगा के, घर वालों का परिवार वालों का सबका नाम रोशन करो। पांडे जी कह रहे सर जीत गए, हम जीत गए कि तुम जीत गए, नालायक हम ही जीतेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। और इसके साथ आगे चलते हैं, राज गेमिंग सर हो गया, रवि सभी लोग देख लिए, काजल जितेंद्र रुद्र, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। और आगे चलते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर दूसरा वाला इधर आओ, अभी से तुम करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क है, ये करना है ईमानदारी के साथ। आगे चले इसके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम्हारे में अगर इस बार पेपर हो गया गांधी जी की दया दृष्टि से तो फिर आएगा जरूर, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर। अगर इंपॉर्टेंट करोगे तो ए बराबर है तो सत्यापित कीजिए, ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई, मतलब कि ये हमें दिखाना है ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। अगर हमको ये दिखाना है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ले, अगर लेफ्ट हैंड साइड ले ले तो लेफ्ट हैंड साइड ये आई जानते हो क्या है, ये आई तुम्हारी आई नहीं है, ये आई तुम्हारी आइडेंटिटी है, तत्समक आप व्यू, ये 2x2 का है, अगर ये 2x2 का है तो ये तत्समक आप व्यू भी 2x2 का होगा, मतलब 1001। अगर ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई तो आगे चले, ठीक है। दिव्यांश कह रहे सर बहुत इजी है, हलवा है, कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटवा, ये इजी नहीं, टैलेंटेड हो तुम, इजी दुनिया में कुछ भी नहीं है और टफ भी कुछ नहीं है। अगर ए डैश इसका ट्रांसपोज क्या होगा भैया, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लू तो यही तो होगा, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मल्टीप्लाई करा रहे, ए का ट्रांसपोज होगा कॉस अल्फा, ये पंक्ति है ना कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसे लिख दो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई ए के साथ करा दो, ए क्या होगा, ए तुम्हारा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए तुम्हारा होगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। इसी के साथ दोनों का आपस में कराओ मल्टीप्लाई, और कराबो अगर मल्टीप्लाई तो मिलेगा क्या, मलाई, ऐसा भी, चलो ठीक है, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ सर, और माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई तो आता है सर, आपने बताया था, और सर सब क्लियर है, कॉस अल्फा का दोबारा मल्टीप्लाई साइन पे तो साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा इसका कराओगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बाद साइन अल्फा का यहां कराओगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका कराओगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साइन का साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस का कॉस स्क्वायर अल्फा। सर ये बात, एक बात बताओ, ये तो कट रहा है काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, जो जल रहा है उसको जला दो। और इसी के साथ अगर कहानी तुम्हारी आगे बढ़ेगी तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सर इसको पढ़ रहे कक्षा 10 से, क्या पढ़े हो तुम, सर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, वाह बेटा तुम तो बढ़ के शेर हो। इसी के साथ वैल्यू रख दो 1, सर ये होएगा 0, ये भी होएगा 0, ये होगा 1, अरे सर इधर आओ, ये जादू है, क्यों, क्योंकि सर ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया, और इसके बराबर क्या आ गया सर, राइट हैंड साइड,
ये बात प्रूव हो गई। सर आपका पहले हो गया, सार्थक। सार्थक कह रहे सर आपसे पहले हो गया, वाह बेटा वाह सार्थक। रवि कह रहा सर हम कहां पहुंच जाएंगे। जितेंद्र बहुत कूटेंगे। आ गया, वेरी गुड। भौकाल है तुम्हारा, जलवा है, यूपी बिहार एमपी हर जगह तुम ही सब छाए हो। और अगर तुम ही छाए हो तो तुम्हारी ही सरकार है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। लॉजिक है। अब देखो भैया ये वाला सवाल सेम टू सेम है, अगर इसको सर बता दिए तुम्हारी बेइज्जती होगी। अब तुम ही सोचो बेइज्जती कराना है कि इज्जत बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो ये लो होमवर्क। हाँ सर आज होमवर्क बहुत दे रहे सर, आलसी हो गए आप। आलसी नहीं हो गया, ये इजी हो गई एक्सरसाइज। अगर ये एक्सरसाइज इजी हो गई ऋषि तो आगे देखो। वंश, मानसी, निशांत, हरिकेश। अब सर क्वेश्चन नंबर कौन सा बताने जा रहे? क्वेश्चन नंबर सातवा ही बताएंगे। सर ये बात तो और आसान है, कहा है बेटवा? सर इसको एक बार पलट के देखो तो, पीछे देखो सर पीछे, और पीछे देखे सर तो पता चला कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एक सममिता व्यू है। हमने कहा इसमें नया क्या है? आपने कहा सर अगर किसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो, या सर ऐसे समझो किसी लड़के को लाख समझाओ और फिर भी ना समझे, जैसे आप रोज कहते हो कि रेगुलर क्लास में आओ मन लगा के पढ़ो और फिर भी किसी को ये बात पल्ले ना पड़े, तो वो सममित है सर। सममित है सर, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर। तो चेक करते हैं, अगर ये ए है तो ए का ट्रांसपोज करते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एक बात बताओ, इसका परिवर्त करो, ए का परिवर्त, ए की पंक्ति 1-1 5 है तो इसको स्तंभ बना दो 1-1 5। दूसरी पंक्ति -1 2 है तो इसको स्तंभ -1 2 1। तीसरी 5-1 3 5-1 3। सर एक बात बताओ, ये तो सेम टू सेम वही आ गया सर, ये तो सेम टू सेम वही आ गया। सर एक बात बताओ आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं भाई कसम से कह रहे। ठीक है सर मान लिया, कसम खा गए सर। बहुत इजी है। काजल, फतेहचंद, ऋषि, सर हो गया। माधव, प्रियंका, माधव कह रहे सर मुंबई आ जाओ पार्टी देता हूं। बिल्कुल आएंगे, मुंबई भी आएंगे, बंगलोर भी जाएंगे, तुम जहां जहां बुलाबो वहां वहां आएंगे। सर अगर वहां वहां आएंगे तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, और अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे चलते हैं। आगे देखो सर, बच्चों वाला क्वेश्चन है सर ये। सर ये कह रहा है विषम सममिता व्यू। सर इधर आओ, आप सिर्फ देखो हम इसको करके दिखाते। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्या दिखाना है हमको, अगर किसी व्यू का परिवर्त निकाले वो अपने आप के निगेटिव के बराबर हो जाए, मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाए। वाह बेटा तुम तो बड़े शेर निकले। सर इसका ट्रांसपोज करके देखो, और अगर देखेंगे आप तो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बनाओ 0-1-1। सर ये जो पंक्ति है स्तंभ बनाओ -1 0 और 1। पंक्ति को स्तंभ बनाओ 1-1 0, और इसी के साथ यहां से माइनस कॉमन लेकर देखो, और अगर माइनस कॉमन लोगे तो तुम्हें जादू दिखाता हूं। जीरो के पास जीरो सन्यासी है, ना काउ से दोस्ती और ना काउ से बैर, तो इससे कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। माइनस वन के पास माइनस था, उसने कहा ले जा बला टकी बला टली। वन के पास नहीं था तो इन्होंने अपने पेट पे चक्कू मार लिया, और ये भी 0-1 और ये 1-1 0। सर इसकी शक्ल तो इससे सेम टू सेम डिक्टो सेम मिलती है, इसका मतलब ये ए है माइनस ए, तो ए का डैश क्या आ गया माइनस ए आ गया। इसका मतलब सर ये विषम सममित है। सचिन समझ में आया? मानसी हो गया, चित्रेश देखा सर का पहले हो गया, तुमसे पहले सर ने कर दिया, और अगर सर ने तुमसे पहले ये कमाल किया है तो इधर आओ। अब
अभी जादू सिखाया, अब टोना सिखा दूं। सर ये टोना क्या है? ये टोना कुछ नहीं है, जो बच्चा नहीं सोता वही टोना है। अगर वही है तो सर एक बात बताओ, ए बराबर है? ए बराबर इतने के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अगर तुम याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत गोपाल तुम, अगर तुम अपना कुछ याद करोगे तो एक बात तुम्हें समझ में आएगी कि कल सर ने एक थ्योरम बताई थी, तुम याद करो उसको और याद करके ये बताओ सर ने क्या बताया था। सर ने बताया था अगर किसी भी अवयव में, इधर आओ, किसी भी अवयव में अगर उसका परिवर्त जोड़ दोगे तो वो एक सममित अवयव देगा। ये वही पूछ रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करो अर्थात सत्यापित करो, इसको सत्यापित करो कि अगर ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ोगे तो ये कैसा होगा? सममित होगा। और ये कल चर्चा हुई थी, और अगर घटा दोगे तो विषम सममित होगा, घटाने पे विषम सममित, जोड़ने पर सममित। और अगर ऐसी घटना है तो इस घटने का साक्षी बनते हैं और पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1567, और अगर ए बराबर दिया था तो गांधी जी की कृपा से ए ट्रांसपोज तुम अपने आप निकाल लोगे, और अपने आप अगर निकाल लोगे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब ए का परिवर्त, ए क्या है 1567, जोड़ते हैं इसमें, अगर ये 15 है तो ऐसे लिखेंगे 15, अगर ये 67 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 67, यही तो होगा ट्रांसपोज। इसकी पंक्ति को स्तंभ बना दो और इनको दोनों को जोड़ोगे तो एक बात तुम्हारे सामने आएगी, वो बात ये है कि इनको जोड़ने पर हमको मिलेगा 2। ओ, 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 ओ। देख रहे, लाइट गई और सब कुछ ले गई, 2-4 सेकंड वेट करते, ये अभी जलती है, जब तक ये लाइट जलकर आती है तब तक हम तुमसे थोड़ा सा मिलते हैं, और अगर हम तुमसे मिलते हैं, अगर आपसे हम मिलते हैं तो डरो मत, कूटेंगे नहीं, अगर डरोगे नहीं तो इसके बाद की कहानी सुनो। ये अभी जब तक कंप्यूटर कुछ अंग्रेजी में लिख रहा है, अमेरिकन मेगाट्रेंड्स क्या क्या अंग्रेजी लिखी हुई है, कंप्यूटर महोदय आके इसको सुधारेंगे, तब तक तुम लोग बताओ पढ़ाई कैसी चल रही। अगर पढ़ाई अच्छी चल रही तुम्हारी तो फिर मजे करो, अगर नहीं अच्छी चल रही तो सारे पुराने वीडियोस देखो, है कि नहीं। और एक बात और एक वादा फिर से तुम्हारे साथ, 50 बार एक वादे को करना पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था कि सिलेबस की चिंता मत करना, टॉपिक की चिंता मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चिंता मत करना, और एक बात पेपर की चिंता मत करना, ये सारी टेंशन्स हमारी है और हम सब कंप्लीट करेंगे। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है, मैथ से रिलेटेड तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैथ की सारी टेंशन ऐसे उठाओ और कहो ये लो सुमित सर तुम्हारा तुमको अर्पण, और आप हमारा हमको अर्पण कर दो, मतलब हमारी पढ़ाई, ठीक है। चलो बिल्कुल घबराओ नहीं, परेशान मत हो। अब देखो लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कहां से क्या हुआ था। क्वेश्चंस मिट गए हैं हमें लगता, फिर से ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर दो, एक मिनट फिर से लगा ही दो, मुझे लगता है फिर से लगा ही दो, लगा दूं मैं, कैसे लगाना है, एक सेकंड वेट कर लो बेटा, एक सेकंड वेट कर लो, तुम लोग हमारे नाल एक मिनट रुक जावा, एक सेकंड रुक जाओ, और हमने ये जो बात कही है ना इस पे मंथन कर लो, ये सेव हो जाएगा ना सर। हाँ, इस पे थोड़ा सा विचार करना कि सारी टेंशन हमको दे दो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं है। किनका किनका हो गया? मोहम्मद दानिश, मैथ्स लवर है मोहम्मद दानिश,
बेटा हम लोग कहां पर थे? हम लोग थे सर बहुत पीछे थे सर, यहां थे हम लोग। सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे सर तो जल्दी से बताओ फटाक से, बहुत ध्यान से देखना बेटा थोड़ी देर। हाँ हर बार सर जीत जाते हैं। इधर देखो ए प्लस ए डैश अभी हम कर रहे थे, अब दूसरा कर रहे हैं, पहला कर लेना तुम लोग, दूसरा करके दिखाते हैं। अब यू ए माइनस ए का क्या ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स क्या है बेटा हमारी 1 5 6 7, अगर इसमें से हम घटा दें ए का परिवर्त, ए का परिवर्त क्या है बेटा, ए का परिवर्त मतलब ये 1 5 6 7, तो ये 1 5 और ये 6 7, अगर इसमें से इसको घटाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। एक में से एक गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अगर ये हुआ है तो एक बात बताओ। हाँ बेटा काजल, शिवम, विवेक, संजना सब स्टार्ट करेंगे, सब करेंगे भैया, तुम टेंशन मत लो बेटा। अब एक बात बताओ, अगर a माइनस a डैश का मैं ट्रांसपोज करूं, परिवर्त निकालूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये है इसकी वैल्यू 0 -1 1 0 है, इसका परिवर्त क्या होगा 0 1 -1 0, और यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 0 -1 1 0, और इसकी शक्ल किससे मिलती है? a माइनस a का डैश का ये जो ट्रांसपोज है ये माइनस a माइनस a का ट्रांसपोज के बराबर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब विषम सम्मित है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। स्क्रीनशॉट ले लो वरना पीछे रह जाबो। हो गया, वेरी गुड, काफी बच्चों का हो गया। मानसी सर आप हार गए, सर कभी हारते नहीं बेटा, सर हमेशा जीतते हैं। अगर सर हमेशा जीतते हैं तो एक बात सर और बताइए, कैसे जीते आप इस बार? हमको क्या करना है बहुत ध्यान से देखो, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है, 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लोगे क्या? एक अच्छा हम निकाल के दिखाते हैं, मैं प्लस वाला निकाल देता हूं, माइनस वाला निकाल लेना। सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकाल लो, ए प्लस ए डैश मतलब 1/2 बाहर लिख दो, ऐसे 1/2 यहां लिख दिया, और एक ब्रैकेट लिया, पहले a ले लिया। a क्या है बेटा, a है हमारा 0ab और माइनस a 0c, फिर माइनस b माइनस c 0। इसके साथ किसको जोड़ना है? a का ट्रांसपोज, इसका परिवर्त, और इसका परिवर्त जो है उसको बताओ 0ab, तो 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस बी माइनस सी, और इसको जोड़ के देखना बहुत ध्यान से। अगर इसको तुम जोड़ रहे हो तो एक बात तुम्हें समझ में आई, 0 0 0, ए ए माइनस ए में से माइनस ए 0, बी अरे सर ये तो 0 हो रहा है सर, अरे संभालो, कोई तो रोक लो सर। कोई बात नहीं, कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ कौन रोक सकता है, भगवान। और सर ये तो पूरा 0 0 आ गया। हाँ तो आ गया तो आ गया, इनकी मर्जी। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। वेरी इजी, सो सिंपल, कतई जो मर्जी है सो बोल दो। वेरी इजी, सो सिंपल, आसान। एक भाषा और बताऊं, इधर आओ सर, बहुत सरल है। मतलब हमारे साथ जब हम 12th में पढ़ते थे जेएनवी में, नवोदय विद्यालय में, हमारे साथ एक बच्चा आया था लेटरल एंट्री पे, वो बहुत शुद्ध हिंदी बोला करता था, और वो इजी को सरल बोलता था, और सरल भी नहीं बोलता था, सरला बोलता था। और जब सरला बोलता था तो सर को मजा आ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, और यही इंपॉर्टेंट है, यही अच्छा है, और इसके बारे में कल जाते जाते बात हुई थी, और सर आज भी जाते जाते बात हो रही।
अजीब संयोग है, अजीब दस्तूर है, जब भी इसके बारे में चर्चा होती है तब जाना पड़ता है, मिलते ही चल देते हो। आखिर अभी जाना है, थोड़ा जल्दी लगेगी। चलो ठीक है सर। अरे सर आप निकल लिए। इसको कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में बताओ। अगर तुम्हें हमारी बात याद होगी तो जाते जाते हमने तुमको कल एक ज्ञानवर्धक बात बताई थी, और वो ज्ञानवर्धक बात क्या थी? ज्ञानवर्धक बात ये थी कि अगर ए है तो इसको हम 1/2 2a लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको a+a भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो हम इसको लालच भी दे सकते हैं, मतलब इसके ट्रांसपोज को जोड़ के घटा देंगे, कहेंगे ये लो 100 रुपया और फिर चुपके से चुरा लेंगे, मतलब दिया भी और ले भी लिया, ना घाटा ना नुकसान। सर दोनों वही चीज है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब सर इन दोनों को एक साथ a+a' और इन दोनों को एक साथ a-a' सर यही कर दो। और ये करने के बाद सर ना एक बात बताएं सर, ये एक्सरसाइज है बहुत आसान, और ये एक्सरसाइज ना हम अपने से कर लेंगे। इसको सर p मान लो और इसको सर q मान लो, तो a बराबर p+q हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं भैया बताओ? हाँ सर हो गया, बाएं हाथ का खेल है। टेक अ स्क्रीनशॉट अगर कल नहीं थे, और कल थे तो आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो यहां पर क्या करना है, यहां पर अगर ये a है तो हमको क्या दिखाना है बेटा, a बराबर p+q, a बराबर क्या दिखाना है p+q, और p क्या था तुम्हारा, p बराबर क्या माने थे, प्रश्नानुसार तुम्हें क्या लिखना है, प्रश्नानुसार ऐसे लिखना एग्जाम में अच्छा लगेगा राजा बाबू, अंग्रेजी भाषा में चाहे तो लिख देना, क्या लिख बो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे सुंदर भाषा में। और अगर ये लिख दिए तो एक बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर 1/2 a+a' और +1/2, इसको नीचे लिखो इधर मत लिखो, जगह बचाते हैं, a इज इक्वल टू लिखना 1/2 a+a' और +1/2 a-a' इतना दिखा देना, और फिर मानना a बराबर p+q, a बराबर p+q, फिर लिखना p बराबर 1/2 a+a', यही तो होगा, p बराबर 1/2 a+, ये देखो सर ये तो एकदम रटी रटाई बात हो गई। आगे सर कुछ नई बात बताओगे कि यही चलेगा, एकदम नई बात होगी। अब अगर p बराबर a+a' का हाफ है तो एक बात बताओ, p बराबर 1/2 और a क्या है बेटा तुम्हारा, सर 3/5 1-1 और जोड़ दो, इसका परिवर्त क्या होगा 3/5 का, ये पंक्ति है ये स्तंभ हो जाएगा, और वो इस पंक्ति है तो वो स्तंभ हो जाएगी, इसको जोड़ो, जैसे कर रहा हूं सेम टू सेम करना है, 3/3 मिलके हो जाएगा 6 5/1 मिलकर 6 1/5 मिलकर 6 -1 -2 मिलकर -2 और अब 1/2 का मल्टीप्लाई कराओ सब में, होगा 6/2 3 होगा, 6/2 3 होगा, 6/2 3 और -1, ये किसकी वैल्यू आ गई, p की। और अगर ये p की वैल्यू आई है तो सर इधर आओ, q की वैल्यू भी निकाल दो, बिल्कुल सूरज बिल्कुल तुम्हारी बात पे चर्चा जरूर करेंगे, वेरी गुड हरिकेश। काजल, काजल कह रही सर वेक्टर कब स्टार्ट करोगे, सब कुछ स्टार्ट करेंगे, इंतजार करो सर। अब क्यों दिखाओ, क्यों बराबर क्या है बेटा, क्यों बराबर 1/2 a-a' है, और अगर मैं a में से a' को घटा दूं, अगर a में से a के परिवर्त को घटा दूं तो क्या आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 1 में से 5 गया तो -4,
और माइनस एक से एक गया तो प्लस एक, जीरो हो जाएगा। क्या सर आप भी जीरो हो जाएगा बेटा, माइनस वन माइनस प्लस वन हो जाएगा। और यहां से वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि क्यों बराबर आ जाएगा बेटा, जीरो टू माइनस टू और जीरो। ये देखो P और Q आ गया, इनको एक अलग रंग से इनकी दुनिया रंगीन कर दो। ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम्हें एक जादू दिखाऊं, तुम्हारी मर्जी हो तो एक जादू दिखाऊं, ठीक है वंश करा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे बेटा, इतनी जल्दी विक्टर ना बेटा ना, अभी वक्त सही नहीं है सर, अभी सर वक्त अच्छा नहीं है। चलो देखते सर, अगर ये P है और ये Q है और आपने कहा है कि जो A है वो P प्लस Q के बराबर होगा, तो A बराबर P प्लस Q करके दिखाओ हमको। A बराबर P की वैल्यू क्या है, ये देखो P की वैल्यू है बेटा 3331 3331-1, और इसके साथ Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है बेटा 02-20। ये A बराबर P प्लस क्यों दिखा रहे हैं हम, A बराबर P प्लस क्यों तुम्हें दिखा रहे हैं। अब A बराबर दोनों को जोड़ो, 3 3 3 0 3 और 3 2 5, 3 -2 1 -1। अरे सर एक बात बताओ, जरा ठहरो सर, यहां आओ, ये तो बराबर हो गया। ओ माई गॉड, बराबर कह नहीं हो जाएगा, सर ने कहा था ना पहले से कि आप किसी भी वर्ग आव्यूह को उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दिखा सकते हो। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक कदम आगे बढ़ाते, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे बढ़ाएं, ठीक है। हाँ बेटा प्रियंका बताओ, दिनेश बहुत जल्दी बेटा 6 दिन क्लास करेंगे एक बार, और दिव्यांश एक नहीं दो बार और बताएंगे, परेशान मत हो बेटा दिव्यांश। A बराबर 1/2 a + a' + 1/2 a - a'। जहां पर इतने बराबर P है और इतने बराबर Q है, हमको यही दिखाना है A बराबर P प्लस Q, और P की वैल्यू है 1/2 a + a'। इसकी वैल्यू को निकाल लेना है चुपचाप, और उसके बाद Q की जो वैल्यू है बेटा वो है 1/2 a - a'। Q की वैल्यू निकाल लेनी है चुपचाप, और ये करने के बाद A बराबर P प्लस Q, A बराबर ये, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। और एक क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, शुभम आ जाओ बेटा, ज्योति आगे बढ़े, बहुत 3D। सर एक बात बताना सर, इसके बाद जो क्वेश्चन कराबो ना आप, तो एक बात जरा बताओ, ये जो क्वेश्चन दूसरा करा रहे ना बेटा, हम तुमसे कह रहे वादा करके, इसको हम लोग एकदम, क्या सर जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो खुल नहीं रहा, बोर्ड नाराज हो गया है। चल एक बात बताऊं, इसको एकदम 4G की स्पीड से करते हैं, और तुम इसको 5G की स्पीड से करना, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा तेज हो। अगर तुम हमसे ज्यादा तेज हो तो जल्दी से इसको करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, A बराबर 1/2 a + a' और प्लस नजरे स्क्रीन पर हो, और 1/2 a - a'। और सर ये जो a है ना, इसको p प्लस क्यों कह दो। बोर्ड बंद हो गया, कैमरा भी बंद हो गया, अद्भुत अदम ये साहस की परिभाषा है। अगर ऐसा है सर तो बोर्ड भी नहीं चाहता और गांधी जी भी नहीं चाहते कि इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क की तरह हम भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। ये सारे क्वेश्चन घर पे बैठ के एज ए होमवर्क
सॉल्व करना। और अगर ऐसे होमवर्क आप घर पे बैठ के सॉल्व करोगे तो फिर कल हम मिलेंगे 3.4 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये हो जाएगा, कर ले वो। सलोनी सर आप कहां चले गए थे? सर कहीं नहीं गए थे, कैमरा चला गया था। हाँ कर ले वो, हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी क्या कतई, तुम तो बढ़ के शेर हो बेटा। अगर तुम शेर हो तो इसको करना, कल फिर मिलेंगे। कल आना मत भूलना, रात 10 बजे इसी टाइम फिर मिलेंगे। 10 बजे आना, अरे सर 10 बजे आना है, कल 10 बजे फिर मिलेंगे बेटा, जरूर आना, भूलना नहीं। और जिन्होंने पिछले वीडियोस को नहीं देखा वो पिछले वीडियोस को जरूर देखें। और इसके साथ बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा।